बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही बदलापुर में गुस्से की आग, उबाल, आक्रोश देखने को मिला। रेलवे स्टेशन की वो तस्वीर आप शायद ही भूल पाए होंगे जहां पर प्रदर्शनकारियों ने खूब प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग करते रहे, लेकिन अब यहीं से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटाखे जलाए जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है, क्यों ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बदलापुर में जो कुछ भी हुआ, जो मुख्य आरोपी है अक्षय शिंदे, इसका एनकाउंटर हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि बदलापुर रेप केस में एनकाउंटर की जो जांच है वो अब सीआईडी को सौंप दी गई है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने 23 सितंबर को केस के आरोपी अक्षय शिंदे का ठाणे में एनकाउंटर कर दिया था। क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर ले गई थी, शाम करीब 6:15 का वक्त बताया जा रहा है। उसका एनकाउंटर इसी वक्त किया गया। सरकार ने कहा था कि अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायर किए, सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और अक्षय मारा गया। फैमिली ने कहा है कि अक्षय को कस्टडी में जमकर पीटा गया था, उसके बाद मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया, उसका शव भी नहीं देखने दिया गया। हालांकि विपक्ष जो है वो एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा है और अक्षय हथकड़ी में था, वो फायरिंग कैसे कर सकता है, ये विपक्ष का कहना है। संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में रह चुके आरोपी पर गोली चलाने वाले इंस्पेक्टर संजय शिंदे ठाणे क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हेड रह चुके हैं। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में भी थे। 2017 में इस टीम ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को गिरफ्तार भी किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को आजीवन जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें 2006 में गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी के फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी माना गया था। प्रदीप शर्मा की टीम ने के एनकाउंटर की कहानी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बन चुकी है। संजय शिंदे के खिलाफ 2012 में इंक्वायरी भी हुई थी। 2012 में दो हत्या मामलों का आरोपी विजय पलांडे पुलिस हिरासत से भाग निकला था। वो जिस एसयूवी से भागा था उसपे संजय की वर्दी मिली थी। साल 2000 में भी किडनैपिंग केस में वो विवादों में आए थे। तो उधर आरोपी शिंदे की मां ने कहा है कि पुलिस वालों ने हमें अक्षय का शव भी देखने नहीं दिया था, हम अस्पताल में घंटों इंतजार करते रह गए। अक्षय के खिलाफ यौन शोषण के आरोप साबित ही नहीं हुए थे, वो पटाखे फोड़ने में भी डरता था, पुलिस पर गोली कैसे चला सकता है, एनकाउंटर एक साजिश है, हम अब उसका शव नहीं लेंगे। अक्षय ने बताया था कि पुलिस वाले उसे पीटते थे, दबाव डालकर बयान भी लिखवाते थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले पर कहा कि अक्षय शिंदे की पूर्व पत्नी ने उस पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, उसे जांच के लिए ले गई थी टीम। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी नीलेश मोरे पर गोली चलाई जो घायल हो गया। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में ये कार्रवाई की है, जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। बता दें कि बच्चियों से रेप का आरोपी अक्षय शिंदे स्कूल में स्वीपर का काम करता था, वो 1 अगस्त को ही कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुआ था। 12 और 13 अगस्त को उसने स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया। घटना के बाद दोनों बच्चियां स्कूल जाने से डर रही थी। एक बच्ची के माता पिता को शक हुआ तो उन्होंने बेटी से पूछताछ की, इसके बाद बच्ची ने सारी बातें बता दी। फिर उस बच्ची के माता पिता ने दूसरी बच्ची के पेरेंट से बात की, इसके बाद दोनों बच्चियों का मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें यौन शोषण का खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि बच्ची आरोपी शिंदे को दादा यानी कि बड़े भाई के लिए मराठी में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये कहकर बुलाती थी। बच्ची के मुताबिक दादा ने उसके कपड़े खोले और गलत तरीके से छुआ। स्कूल में जहां घटना हुई थी वहां महिला कर्मचारी नहीं थी। दोनों बच्चियों का परिवार जब केस दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा तो पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल किया। पीड़ित परिवार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद मांगी। 2 दिन बाद 16 अगस्त की देर रात पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पुलिस ने 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। इस पूरे घटना को लेकर भीड़ ने 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन भी किया। 10 घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। शाम को पुलिस ने लाठीचार्ज कर रेलवे ट्रैक खाली भी कराया। तब पुलिस पर भीड़ ने पत्थरबाजी भी की थी।
महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुजी बेन शाह ने आरोप लगाया था कि स्कूल ने बच्चियों के पेरेंट्स की मदद करने के बजाय अपराध को छिपाया। स्कूल समय पर संज्ञान लेकर शिकायत दर्ज करवाता तो अराजक स्थिति से बचा जा सकता था। मामले को लेकर आयोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रिपोर्ट भी पेश कर चुका है। इन सब के बीच आप जो एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष तो तमाम सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अपने बचाव में पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर कोई भी पुलिस पर उल्टा किसी तरह की साजिश रचता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। तो सुना आपने, एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, एनकाउंटर भी है, तो ये पूरा मामला अब जांच के दायरे में है, इस पर भी जांच की जाएगी। तो दूसरी तरफ जो कार्रवाई हुई है या जो एनकाउंटर हुआ है उस पर भी प्रकाश डालते एकनाथ शिंदे नजर आए। लेकिन बदलापुर के पूरे मामले में अब जो बदलापुर के लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, वो पटाखे जला रहे हैं और उनका ये कहना है आखिरकार हमें इंसाफ मिल ही गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि सीआईडी के पास ये पूरा मामला है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा और जिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने ये इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है उनको लेकर पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। अब देखना होगा कि इस जांच में और क्या कुछ बातें सामने आएंगी।